नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं कि आप अपने क्लाउड किचन के प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करेंगे। सबसे सिंपल मेथड है कि आप अपने खर्चों को कम करें, कंट्रोल करें। पर एक्चुअल में जब हमें कुछ भी डिश बनानी होती है तो हमें सामान खरीदना ही पड़ता है, और हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में हम लोग बचत करें तो कहाँ करें। मेरी कई सारे क्लाउड किचन के जो ऑनर्स हैं उनसे बात होती है, सब कहते हैं जिनका कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चल रहा है, हमारी 4 लाख की सेल है, 5 लाख की सेल है, 2 लाख की सेल है, पर वहीं हम देखेंगे कि इतना ही अमाउंट हमें सैलरीज के रूप में सामान खरीदने के लिए किसी और तरीके से देना ही पड़ रहा है। इवन कभी कभी तो हमें अपनी जेब से देना पड़ता है अगर हम लोग इक्वल नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर गलती क्या होती है वही मैं आपको आज बताने की कोशिश करूँगा। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर एक व्हाट्सअप का जो स्क्रीनशॉट है वो भी लगा दूंगा। एक ही मेरे स्टूडेंट है, राहुल है, जो कि मुंबई से हैं। इन्होंने अभी IHM पास आउट किया है, मेरे कोर्स के ये इनरोल्ड मेंबर भी हैं क्लाउड किचन के। इन्होंने जाके किसी रेस्टोरेंट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जो कि इनके डैडी के दोस्त का रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जाके इन्होंने एक मैनेजर को बताया किस प्रकार से आप अपनी फ्यूल की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। वही रेस्टोरेंट जो काफ़ी समय से चल रहा था, मैनेजर वहाँ पे काम कर रहे थे, पर उनको मालूम ही नहीं था कि किस तरीके से वो अपनी जो कि गैस है, गैस के नीचे अगर जैसे हम लोग बात करें अभी ठंडियों की, अगर आप किसी भी प्रकार से गर्म पानी उनके तले में रख देते हैं, क्योंकि मुंबई में इस समय बाढ़ हो रही है और वहाँ पे ठंडी है, तो जो गैस होती है नीचे जम जाती है। वहीं अगर जब आप गर्म पानी जो कि चावलों से बच जाता है या कहीं और तरीके से हम लोग सब्जियाँ उबालते हैं वो बच जाता है, अपने गैस सिलेंडर के तले में रख देते हैं किसी बर्तन में डाल के, तो वो जो गैस होती है पूरी डाइल्यूट होकर आपके गैस के पाइपलाइन में आ जाती है। अब इन्हें ये पता कहाँ से चला? इन्हें पता चला हमारे गैस के कंजम्पशन से। जी हाँ, इन्होंने पूरे महीने में कैलकुलेट किया कि किस प्रकार से कितनी हमारी कैलकुलेशन, कितनी हमारी गैस लगती महीने में, जो कि इससे पहले ये लोग नहीं करते थे। वहीं इनको ये भी पता चला कि जब इन्होंने ये काम करना शुरू करा तो इनका लगभग एक गैस का सिलेंडर बच गया, जिसकी कीमत हमारी 1400 से 1500 रुपये करीब कुछ होती है, अगर हम लोग डिफरेंट अलग अलग सिटीज़ की बात करें तो। वहीं इन्होंने 1200 से 1400 रुपये अपने लिए बचा लिए। वहीं जो कि मैनेजर है जो कई सालों से काम कर रहे हैं उनको ये पता नहीं होता, क्योंकि जो एक्सपीरियंस्ड बंदा है वही ये सारी चीज़ें आपको बता सकता है। दूसरा, हम लोग अपने सेम टॉपिक पे आते हैं। आपको करना क्या होगा, जो भी आपके आप इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, सबसे महंगे उसमें आते हैं हमारे नॉनवेज आइटम। आपको कोई ऐसे 3 इंग्रेडिएंट आपको चूज़ कर लेने हैं जिनका कि प्राइस सबसे ज़्यादा है और आप मंथ में सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, या आप बोल दीजिए जिनका कि बिल आप सबसे ज़्यादा पे कर रहे हैं। वही इंग्रेडिएंट को आपको ट्रैक करना है। इनको ट्रैकिंग कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इनको ट्रैक करेंगे, अगर अच्छी तरीके से आप उन्हें समझेंगे, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में, तो आपको अपनी जो कॉस्टिंग है उसे कम करने में, जो फूड कॉस्ट को कम करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। मान लीजिए जो टॉप 3 इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बोल रहा हूँ, वहाँ पे हम सबसे पहले चिकन ले लेते हैं, क्योंकि चिकन सबसे ज़्यादा महंगा हम मान के चलते हैं। इससे महंगे अगर हमारा मटन और फिश भी है, पर हम चिकन को मान लेते हैं जो कि कॉमन है, हम लोग सब वही इस्तेमाल करते हैं। अब आपको ये देखना है कि अगर आप चिकन खरीद रहे हैं, चिकन के आप कौन कौन से कट्स खरीद रहे हैं और आपके मेन्यू में किस प्रकार के चिकन की डिशेज है। अगर आप एक इंडियन रेस्टोरेंट चला रहे थे, हो सकता है कि आप तंदूरी चिकन बेच रहे हों, आप चिकन का कुछ कीमा करके कुछ बेच रहे हो, टिक्का कुछ बेक रहे हो, या चिकन के लॉलीपॉप, चिकन विंग, इस तरीके की चीज़ें आप बेक रहे हो। वहीं आपको ये देखना है कि आपके शेफ़ लोग, आपके मैनेजर या आप खुद ही किस तरीके की चिकन की चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं। हो सकता है कि आप सिर्फ होल चिकन ऑर्डर कर रहे हो और आपको नुकसान हो रहा होगा यहाँ पे। क्यों? अगर आप होल चिकन ऑर्डर कर रहे हो और आप ये सारी डिशेज उनसे बना रहे हो तो आपकी ये बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आपको हर एक आइटम के लिए अलग अलग चिकन का कट ऑर्डर करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप चिकन हम लोग जैसे कीमा चिकन रारा हम लोग बनाते हैं वो बना रहे हैं, तो आपको हमेशा चिकन की जो ब्रेस्ट की जो पार्ट होती है उसका यूज़ करना है, क्योंकि जो चिकन का ब्रेस्ट का पार्ट होता है वो थोड़ा सस्ता होता है। अगर आप थाई का कीमा अभी तक निकाल रहे थे तो वो आपका महंगा पड़ जाता है, लगभग यहाँ से 40 से 50 रुपए का आपको पर केजी पे आपको फ़र्क मिलेगा। वहीं अगर आप एक महीने में मिनिमम अगर आप 10 किलो भी यूज़ कर रहे हैं तो करेक्ट सीधा 500 रुपये का आपको नुकसान हो रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, जब हम लोग बात करते हैं चिकन टिक्का की, चिकन टिक्का अगर अभी आप
होल चिकन को लेके खुद ही उनका चिकन टिक्का निकाल रहे थे, तो आपको वो भी बचना है। अब चिकन टिक्के के पैकेट्स भी आते हैं आपके आपके रेडीमेड, रेडीमेड इन द सेंस है कि आपकी जो थाईज होती है वो 2-2.5 किलो 3 किलो के पैकेट्स में आती है, आपको उनको खरीदना है, आपको होल चिकन से चिकन की थाई या चिकन टिक्का नहीं निकालना है। वहीं अगर आप चिकन टंगड़ी यूज़ कर रहे थे अपने मेन्यू में तंदूरी टंगड़ी के तौर पे या स्टफ टंगड़ी के तौर पे, आपको चिकन टंगड़ी खरीदनी है, आपको होल चिकन नहीं खरीदना है। होल चिकन में सिर्फ 2 ही टांगे आएंगी और वो बाकी जो चिकन होता है वो आपका वेस्टेज जाता है। दूसरा, अगर आप लोग स्टॉक्स बना रहे थे तो आपको ये भी ध्यान रखना है आप सिर्फ चिकन की हड्डियाँ यूज़ कर रहे हो। जी हाँ, यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, नहीं तो अगर आप होल चिकन यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल बेकार जाता है। उसके बाद जो आपका जो चिकन का जो मीट बच जाता है उसका प्रयोग या तो फिर आप नहीं करते हैं या फिर इस तरीके से करते हैं कि प्रॉपर आपको उसकी ईल्ड नहीं मिल पाती है। या इसके अलावा अगर आप चिकन होल ले रहे हैं और आप उसके जो चिकन विंग्स होते हैं या उसके आगे का और विंगलेट पार्ट होता है या हमारे जो पैर होते हैं, अगर उनको सिर्फ स्टॉक में यूज़ कर रहे हैं तो वो भी गलत है। आपको जो चिकन विंग्स होते हैं उन्हें रख के स्टोर करना चाहिए। अगर आप मान लीजिए एक महीने में 20 चिकन भी ऑर्डर कर रहे हैं तो 20 दूनी 40 पीस आपके चिकन के आ जाते हैं, जिसमें कि आपके 40 विंग के पीस आ रहे हैं। तो इन 40 विंग के पीस को अगर आप लोग 5 के हिसाब से एक पोर्शन में आप 4 या 5 पीस देंगे तो 5 चौके 20, तो आपके जो 20 पोर्शन हैं आप कुछ भी उनका आइटम बना के बेच सकते हैं। बारबेक्यू चिकन बेच सकते हैं, लॉलीपॉप बेच सकते हैं या कुछ भी कोई भी नई डिश क्रिएट करके दे सकते हैं। वहीं इससे पहले आप उसको सिर्फ स्टॉक के रूप में डाल रहे थे। सबसे लास्ट में यहाँ पे अगर आप तंदूरी चिकन यूज़ कर रहे हैं और आप कभी भी वेट नहीं करते, मान लीजिए जैसे कि एक तंदूरी चिकन मैं बोलता हूँ मैं 400-500 ग्राम का कुछ दे रहा हूँ, 600 ग्राम का कुछ दे रहा हूँ, तो जो कि चिकन वाला है वो आपको केजी के हिसाब से देता है, वहीं और आपको वो बेचना पोर्शन के हिसाब से होता है, यहाँ पे कोई ग्रामेज नहीं है। तो यहाँ पे आपको हमेशा एक तंदूरी चिकन के लिए एक आपको वेट फिक्स करके रखना है कि मैं इससे ज़्यादा जो चिकन का जो वेट होगा नहीं लूँगा तंदूरी चिकन के लिए। इससे आपकी बचत काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो टोटल मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है, आपको समझाने का मेरा मकसद है कि आप अपने जो नॉनवेज आइटम हैं आप हर एक आइटम पे इस तरीके से जा सकते हैं, पर स्पेशली आप चिकन के शुरुआत कीजिए क्योंकि तो चिकन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आप चिकन के अलग अलग पीसेस के लिए अलग अलग चीज़ें लीजिए, जो चीज़ें वेस्ट हो रही है उनसे भी कोई डिश बनती है, उनसे भी कोई डिश बनाने की कोशिश कीजिए। आप वीकेंड स्पेशल रख सकते हैं या कुछ भी, आपके शेफ़ क्रिएटिव लोग, शेफ़ बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, उनसे पूछ के उनसे बात करके आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और आप देखेंगे कि जो आपका जो जो आप पहले जो बहुत ज़्यादा बिल पे कर रहे थे नॉनवेज के लिए वो कम होने लगा है। और यही चीज़ें हैं जो कि आपको सिर्फ एक एक्सपीरियंस शेफ या एक्सपीरियंस मैनेजर ही बता सकता है। जिस प्रकार से राहुल, जो कि मैं स्क्रीनशॉट फिर से लगा दूंगा, राहुल ने अपने मैनेजर को बताया किस प्रकार से आप अपने गैस की कॉस्ट को बचा सकते हैं, और उन्होंने पहले ही महीने में जबकि वो सीखने जा रहे हैं अपने डैडी के रेस्टोरेंट में अपने 1200 से 1400 रुपये की बचत कर दी। और वहीं अगर हम लोग पूरे साल का लगाएंगे तो वो आपका 10-12-15 हज़ार करीब बैठता है। तो यही इसी तरीके से आप लोगों को भी अपने हर फील्ड में, चाहे आप हमें यहाँ नॉनवेज की बात करी, आप सेम उसको वेज में भी कर सकते हैं, इस तरीके से चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं और अपने जो क्लाउड किचन की जो रेवेन्यू है उसको ऊपर ले जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस टेक्निक का, जो मैंने आपकी टेक्निक बनाई है, उसका ज़रूर ही इस्तेमाल करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चंस हो, कमेंट हो, आप मुझे नीचे लिख के भेज सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।